बजाज नगर पुलिस थाना अंतर्गत ठगी का मामला सामने आया है। फिरियादी विकास विजय वैद को कृषि स्कीम में 9 लाख की इन्वेस्टमेंट कराने के बहाने 9 लाख से ठगा है। ऐसी जानकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शुभांगी देशमुख द्वारा दी गई है। कृषि स्कीम में इन्वेस्टमेंट के नाम पर 9 लाख की ठगी का मामला बजाज नगर पुलिस थाना अंतर्गत सामने आया है। फिरियादी विकास विजय वैद्य को उन्हीं के परिचित व्यक्ति बनकर, जो स्टेट बैंक में क्लर्क के पद पर कार्यरत है, उनके द्वारा कृषि स्कीम में फिरियादी से 9 लाख की इन्वेस्टमेंट करवाई गई। जब फिरियादी द्वारा 3 साल बाद पैसे वापस मांगे गए, तब आरोपी बनकर पैसे देने में टालमटोल कर रहा था। फिरियादी ने अधिक जांच करने पर पता चला कि ऐसी कोई भी स्कीम नहीं है। तब फिरियादी वैद्य को ठगा जाने का एहसास हुआ, जिसके बाद बजाज नगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई। फिरियादी है तो विकास विजय वैद्य म्हणून, तर त्यांना कोणा परिचितांच्या माध्यमातून आरोपीशी ओळख त्यांची झाली होती। आरोपी हे स्टेट बँकेत क्लर्क म्हणून कार्यरत आहेत आणि त्यांनी कृषी स्कीम सांगून आणि फिर्यादीकडनं 9 लाख रुपयाची गुंतवणूक करून घेतली आणि त्याचा व्याज आणि परतावा चांगला आहे असं सांगून, आणि त्याच्यानंतर जेव्हा फिर्यादींनी काही 3 वर्षाच्या नंतर पैसे वापस मागितले, तेव्हा पूर्ण पैसे वापस करण्यास त्यांनी त्रास देण्यास सुरुवात केली। त्याच्यावरनं फिर्यादींनी अधिक चौकशी केल्यावर त्यांच्या लक्षात आलं की आरोपींनी जी त्यांना कृषी स्कीम म्हणते त्याचे इन्चार्ज आहेत असं सांगून त्यांच्याकडनं गुंतवणूक करून घेतली होती, तर अशी कुठलीही SBI ची स्कीम नाही आणि आरोपींनी खोटं बोलून त्यांची फसवणूक करून त्यांच्याकडनं गुंतवणूक घेतलेली आहे अशा स्वरूपाची फिर्याद फिर्यादींनी दिलेली आहे। आरोपी बनकर पर ऐसा ही मामला अकोला में दर्ज होने से अकोला में बनकर PCR में होने की जानकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शुभांगी देशमुख द्वारा दी गई है। कैमरा पर्सन माइकल रामपुरी के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, BCN न्यूज नागपुर।